वहीं दमोह जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की लोगों को न केवल जानकारी दी जा रही है बल्कि हितग्राहियों को उसका लाभ भी मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दमोह जिले के बिजौरी गांव में शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणजनों ने केंद्र सरकार से मिली सुविधाओं की जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लेकर लोगों ने उनका लाभ उठाया। वहीं उपस्थित अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण भी मौके पर किया गया। विकसित भारत योजना भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है। उनका मूल उद्देश्य यह है कि हमारे गांव में जो रह रहे निवासी या शहर में या जिले में या प्रदेश में जो भी व्यक्ति है या देश में हमारा व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित ना रहे, वो वंचित ना रहे और कोई भी कर्मचारी इससे पीछा नहीं हटे और हमारे लोगों को तत्काल लाभ इसका मिले। इस योजना का लाभ ये है, लाभ पूरे गाँव के लोग रह रहे, अभी ग्वारी में लगा था और आज बिजौरी में है और सभी विभाग के अधिकारी आए हैं। जोन विभाग के अधिकारी नहीं आते हैं तो नोडल अधिकारी। आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार कई तरह के जन कल्याण